हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो स्टूडेंट, चलिए आज हम फिर से नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं डी एंड एफ ब्लॉक का। और इसके पहले भी डी एंड एफ ब्लॉक पे फर्दर लेक्चर बन चुका है और आगे भी लेक्चर इस पे आता रहेगा, ठीक है। और डी एंड एफ ब्लॉक का आज स्टार्ट कर रहे हैं कैटलिटिक प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में कैटलिटिक प्रॉपर्टी जानेंगे और फिजिकल प्रॉपर्टी में कैटलिटिक प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, कैटलिटिक प्रॉपर्टी मतलब जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। कैसे? कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। बहुत सारे ऐसे रिएक्शन है जिसमें ट्रांजिशन एलिमेंट कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, उसे ही हम क्या कहेंगे, कैटलिटिक प्रॉपर्टी कहेंगे। तो कुछ नंबर में हम जो रिएक्शन है ना, रिएक्शन को हम आपको बता दे रहे हैं और रिएक्शन आप पूरा देखिएगा, ओके। तो क्या कहेंगे, द ट्रांजिशन एलिमेंट, द ट्रांजिशन एलिमेंट शो कैटलिटिक प्रॉपर्टी। क्या शो करते हैं? कैटलिटिक प्रॉपर्टी इन मेनी केमिकल रिएक्शन। मेनी केमिकल रिएक्शन मतलब क्या बोल रहा है, जो कैटलिटिक प्रॉपर्टी ट्रांजिशन एलिमेंट है ये अपना कैटलिटिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं। बहुत सारे रिएक्शन में अपना कैटलिटिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन या रिएक्शन हो जाएगा, आगे क्या बोलेंगे कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है ये क्या शो करते हैं, कैटलिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। चलिए इसमें अब हम आगे चलेंगे और ये बताएंगे आपको कि ये क्या शो कर रहे हैं, अगर कैटलिस्ट है तो क्या इफेक्ट करता है। तो क्या कहेंगे, द ट्रांजिशन एलिमेंट, द ट्रांजिशन एलिमेंट्स इंक्रीज द रेट ऑफ increase the rate of chemical reaction। ये chemical reaction के rate को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। कौन? transition element बहुत सारे chemical reaction में reaction के rate को बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। अब इसमें हम जानेंगे कुछ number में example कि वो कौन से chemical reaction है जिसमें यह use होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसमें हम आपको बता रहे हैं कि बॉर्नहेवर, किससे, फॉर्मेशन ऑफ NH3, किसका, NH3 का, बाय हेबर प्रोसेस। इसको पूरा कहते हैं बॉर्नहेवर प्रोसेस। तो बॉर्नहेवर प्रोसेस से जब अमोनिया को बनाते हैं ना, तो इसमें क्या यूज होता है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ना सभी क्लास में, 11th में भी आता है, 12th में भी आता है, किसी भी क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ NH3 बाई हेबर प्रोसेस, इसके लिए हेबर प्रोसेस में जो यूज होता है, क्या यूज होगा, आयरन, ठीक है ना। और एक कैटलिस्ट यूज होता है क्या, मॉलिब्डेनम। आयरन एंड मॉलिब्डेनम दोनों यूज होते हैं। आगे ध्यान दीजिए, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, H2SO4, फॉर्मेशन ऑफ H2SO4। एक बार और आपको मैं समझा दूंगा, सब क्लियर हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ H2SO4 बाई कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कौन से प्रोसेस? कॉन्टैक्ट प्रोसेस से जब क्या बनाते हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से जब हम H2SO4 का फॉर्मेशन करेंगे, तो इसमें जो यूज होगा, मीन्स क्या, फॉर्मेशन ऑफ H2SO4 बाई कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें जो कैटलिस्ट आपका यूज होगा, यहाँ पे फर्स्ट में क्या था, फॉर्मेशन ऑफ NH3 बाई हेबर प्रोसेस, ठीक है ना। इसमें आयरन था, मॉलिब्डेनम था, और इसका क्या होगा, इसका अलग होगा, वो आपका हो जाएगा वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, ठीक है। और एक रिएक्शन और है, क्या, फॉर्मेशन ऑफ SO3 बाई फॉर्मेशन ऑफ SO3, इसमें क्या कैटलिस्ट यूज होगा बच्चों, इसमें भी वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। वंस अगेन वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, इसके लिए दोनों पास पास में लिखा आपको, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको यही भी इसको लर्न कर लेना चाहिए, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरीन by DuPont's process, ठीक है ना। DuPont process से क्या बना रहे हैं,
क्लोरीन बना रहे हैं, तो इसमें जो कैटलिस्ट यूज होगा, ठीक है, इसमें आपका जो कैटलिस्ट यूज होगा वो क्या है, क्यूप्रिक क्लोराइड। क्या यूज होगा? क्यूप्रिक क्लोराइड यूज होगा, ठीक है ना। फिर से अच्छे से आप ध्यान दीजिए, कैटलिटिक प्रॉपर्टीज आ रहे हैं, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट आर यूज इन द कैटलिस्ट इन मेनी केमिकल रिएक्शन, एंड ट्रांजिशन एलिमेंट विच डिक्रीज और इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। बहुत सारे यहाँ पे रिएक्शन मैं आपको ड्रॉ किया हूँ, बनाया हूँ, जैसे अमोनिया के बनाने में कौन सा कैटलिस्ट यूज होगा, तो आयरन मॉलिब्डेनम, ये बहुत जो इंपॉर्टेंट है ना उसको मैं यहाँ पे नोट किया हूँ। फॉर्मेशन ऑफ H2SO4 बाई कॉन्टेक्ट प्रोसेस, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सब है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलेगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आपसे मिलेंगे। ओके।